नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का सबसे लोकप्रिय चैनल हिंद विहार। एक दुल्हन की शादी की मेहंदी अभी अच्छे तरीके से उतरे भी नहीं कि अपराधियों ने उसके जीवन साथी को गोलियों से छलनी कर मौत के घाट उतार दिया। अपराधियों ने एक नई नवेली दुल्हन की मांग उजाड़ दी। शादी हुए महज 14 दिन ही बीते थे। शादी 17 अप्रैल को हुई थी और आज दूल्हे की अपराधियों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। गोलियों की तड़तड़ाहट से भागलपुर का समरसपुर इलाका गूंज उठा। ताजा मामला भागलपुर के लौदीपुर थाना क्षेत्र का है। लौदीपुर थाना क्षेत्र के समरसपुर गांव के पास अपराधियों के द्वारा प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट के पद पर काम कर रहे मनीष घोष को गोली मार दी, जिसके बाद आसपास के लोगों और परिजनों के द्वारा घायल को जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल लाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। गौरतलब हो कि युवक अपने ऑफिस 0 माइल से अपने घर लालू चौक जा रहा था। इसी क्रम में रास्ते में अपराधियों के द्वारा उसे गोली मार दी गई और उसकी मौत हो गई। प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे अकाउंटेंट मनीष घोष की गोली मारकर हत्या किए जाने की घटना से पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई है। उनके चाहने वाले मायागंज अस्पताल में पहुंचकर घंटों न्याय की मांग को लेकर जमकर बवाल काटा। वहीं लौदीपुर थाना अध्यक्ष ने परिजनों को समझा बुझा कर शांत कराया। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही है, साथ ही घटना के कारण का पता लगाने में जुट गई है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना हुई कि ऑफिस से आने के क्रम में इनको कोई गोली मार दिया है, और जब हम लोग फोन किए कि कहाँ है, नहीं है, तो पता चला कि यहाँ पे गिरा पड़ा हुआ है, तो जल्दी से आप लोग यहाँ आइए। जब वो लोग पहुँचे वहाँ देखा गिरा पड़ा हुआ है, इसको गोली लगा हुआ है। बस हम लोग इतना ही जानते हैं, बाकी अब यहाँ पता चलेगा। मनीष कुमार घोष ये अकाउंटेंट से काम करते थे, बाईपास रोड में लोगों का ऑफिस है। लौदीपुर थाना में एक युवक है जो कि अकाउंट का काम देखता था, एक कबाड़ का कारोबार करने वाली छोटी कंपनी है उसमें, उसकी गोली मारकर हत्या हुई। और उसमें विशेष टीम बनी है DSP लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर गौरव के नेतृत्व में, और वो टीम लगातार घटना के बाद से ही काम कर रही है। उसमें 4 लोगों को से गहन पूछताछ टीम के द्वारा की जा रही है, और जो DIU की टीम है, जो टेक्निकल टीम है, इसमें उसको भी इसमें लगाया गया है, जिससे कि हम लोग घटना के कारण और इसमें सम्मिलित जितने भी लोग हैं उसको चिन्हित करके उसको गिरफ्तार कर सकें। उस पर काम चल रहा है, जैसे ही हम लोग किसी नतीजे पहुँचेंगे आपको तुरंत सूचित करेंगे। बिहार सरकार एक तरफ पूरे सूबे में शराबबंदी पर पूर्णतः रोक लगा दी है, वहीं दूसरी तरफ बिहार सरकार ने पारसी समाज के लोगों के लिए नीरा बेचने के लिए लाइसेंस जारी किया था, लेकिन अब पारसी समाज के लोगों के लिए नीरा बेचने पर रोक लगा दी है। वहीं पारसी समाज के लोगों ने बताया कि नीरा बेचकर हम लोग अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन सरकार के द्वारा नीरा बेचने के लिए पिछले वर्ष लाइसेंस दिया गया था, लेकिन इस बार नीरा बेचने के लिए लाइसेंस नहीं दिया जा रहा है। इसके लिए प्रखंड से अनुमंडल अधिकारियों के कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, तब पर भी हम लोगों को लाइसेंस नहीं देकर हम लोगों को पुलिस प्रशासन के द्वारा गिरफ्तार कर कानूनी कार्यवाही कर जेल भेजा जा रहा है। ऐसे में हम लोगों का परिवार भूखे मरने के कगार पर पहुंच चुका है। हम लोगों का जीवन यापन कैसे होगा, इसके लिए बिहार सरकार से मांग किया है कि जल्द से जल्द नीरा बेचने के लिए लाइसेंस दिया जाए, जिससे हम लोगों का परिवार खुशी से चल सके। वहीं इस मामले को लेकर पूर्व विधायक सुबोध राय ने भी कहा कि सरकार के द्वारा मजदूरों के हित में कार्य कर रही है, पारसी समाज के लोगों के लिए भी बहुत जल्द अच्छे कार्य किए जाएंगे, जिससे उनका जीवन अच्छे तरीके से चल सके। सरकार तमाम समस्याओं पर विचार कर रही है। बिहार में न्याय के साथ विकास के रास्ते पर सरकार चल रही है, और इसलिए सरकार सभी समस्याओं का निराकरण करेगी, इतना हमको विश्वास है। काहे कि सरकार में सारे लोग ऐसे हैं जो पूंजीपतियों के समर्थक नहीं हैं, वो मजदूर वर्ग के और गरीब लोगों के हितैषी हैं। इसलिए चाहे वो पारसी समुदाय के लोग हों कि चाहे अन्य समुदाय के लोग हैं, जो भी मेहनतकश हैं, जो भी समस्या से ग्रस्त हैं, सारे लोगों की समस्या के ध्यान के लिए हम सरकार से लगातार जो अपील भी करते हैं। बंदी लगा दी है, दाढ़ी में बंदी लगा दी है, नीरा में चालू किए थे, बोले लाइसेंस ही बन रहा है, तो नीरा भी बंदी करा दी। हम क्या करेंगे, रोजी रोटी बताइए सर, कैसे खाएंगे आप बताइए। लाइसेंस बनाने वाला लाइसेंस भी नहीं बना। भागलपुर सुल्तानगंज चौक बाजार में लगातार 4 दिनों से लग रहा भीषण जाम। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि बाईपास रोड में पाइपलाइन कार्य युद्धस्तर से किया जा रहा है, जिसके कारण सुल्तानगंज चौक बाजार में 4 दिनों से भीषण जाम लग रही है।
भीषण गर्मी होने पर आने जाने वाले लोग घंटों जाम की समस्याओं से परेशानी हो रही है और सड़क जाम में एम्बुलेंस में भी मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। इसके लिए स्थानीय ग्रामीणों ने कहा कि अगर स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा सड़क रूट मार्ग अगर चेंज किया जाए तो सड़क जाम की समस्याओं से लोगों को निदान मिल सकता है और कहा कि अकबर नगर एवं अब्जुगंज से रूट चेंज कर देवघर एवं मुंगेर जाने के लिए कर दिया जाए तो सड़क जाम की समस्याओं से लोगों को लगभग निदान मिल जाएगा। 15-20 मिनट कोई भी यहाँ पे अधिकारी आया जाम तो आज ही जाम है कि डेली जाम रहता है? डेली काम और डेली का जाम है। कितना रहता है? कितना दिन से जाम रहता है यहाँ? जाम 1 घंटा से जाम है। आप लोग काफी परेशानी हो रही है, अभी घूम के आए हुए हैं। आप देख रहे थे लोकप्रिय चैनल हिंद बिहार। ऐसे ही प्रमुख खबरों के लिए चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें एवं Facebook, Instagram, Twitter पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।